इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से अखिलेश पर करारा हमला किया गया। एकदम ऐसी लड़ाई है तीरन से काटे तीरन को, तीरन पर तीर चलावे। देखिए, जन्मदिवस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव। 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही दौर था, यूपी की फिजा में सियासी शोर था, तब अखिलेश के हाथ में कमान थी, जीत की उम्मीदें भी तमाम थी। ठीक इसी दौर में नोटबंदी आई और चुनावी माहौल में छिड़ गई थी नई लड़ाई। मुबारकबाद देते हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। अब 5 साल बाद बीजेपी और योगी सरकार पर प्रहार के लिए अखिलेश ने फिर नोटबंदी का मुद्दा उठाया। नोटबंदी के दौरान पैदा हुए बच्चे खजांची का समाजवादी पार्टी के दफ्तर में धूमधाम से जन्मदिन मनाया और इस मौके पर अखिलेश ने यूपी में रोजगार पर सवाल किए, कारोबार को लेकर प्रहार किया और पूछा कि सरकार की बड़ी घोषणाओं से आम आदमी को क्या हासिल हुआ। सरकार बड़े लोगों के लिए है, नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है सुनने में आ रहा, पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। दरअसल सीएम योगी के हमलों के बीच अखिलेश पलटवार का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर योगी के हमले दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना कार्ड चला था और ये दावा किया था कि 2016 में पलायन करने वाले हिंदुओं में अब भरोसा जगा है। कैराना का पलायन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया, और आज भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे धोखा दे रहे हैं। उनका भाषण सुनिए, ये जो कैराना का सवाल पूछ रहे हो पूछिए उनसे, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पुरानी सरकार न सड़क बना रही थी न बिजली बना रही थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी अखिलेश को बार बार घेर रही है और अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की घेराबंदी को चचा शिवपाल भी मौके की तरह ही देख रहे हैं। तो मैंने तो बहुत दिनों पहले प्रयास शुरू कर दिया था और हम तो चाहते जल्दी से जल्दी अब हो जाए, अब चुनाव का बहुत नजदीक है तो जल्दी हो जाना चाहिए, जो कुछ हो जल्दी हो जाए। सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों सीटों की संख्या बताकर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और इन दावों पर बीएसपी प्रमुख मायावती तंज कस रही हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। अब गहराने लगा है यूपी का चुनावी रंग, तीखे होने लगे हैं नेताओं के तंज, लड़ाई अभी और धारदार होगी और जोरदार होगी। अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।